उसके बाद यहाँ की पुलिस एक्शन में आती है, उसके बाद यहाँ पे विपक्ष लोग हैं वो नारा लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि सीबीआई को यहाँ की सीबीआई में जा चुका है। अभी तक इतना टाइम हो चुका है लेकिन अभी कुछ नहीं आ पाया। देखना यह कि कितना टाइम लगता है या फिर बाकी केसों की तरह ये भी 10 साल 15 साल ऐसे ही होके खत्म हो जाएगा। आपका ये नारा था जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये जो है ना, जो भी पार्टी है अगर ये पार्टी पॉलिटिकल रंग देगी तो कोई जस्टिस नहीं है। अगर पार्टी को हटा के इंसानियत सामने आएगी तभी जस्टिस होगा। अगर पार्टी को अगर आप लेके आइएगा तो हर पार्टी अपना अपना मजाक देख रहा है, हर पार्टी का अपना अपना प्रचार करना है, तो वो लोग एक मुद्दा बना के इसको ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ना होते एक इंसानियत आना चाहिए। देखिए एक नारा चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ लेकिन बेटी बचेगी नहीं, अभी का टाइम ये चल रहा है। हम लोग भी आज जब घर से वापस बाहर से वापस आते हैं तो हम लोग को डर लगा हुआ रहता है कि क्या होने वाला है। हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं, क्यों इतने सिक्योरिटी ट्रेन कंपार्टमेंट में क्यों अलग नहीं रहेगा? सिक्योरिटी कंपार्टमेंट क्यों नहीं? स्टेट गवर्नमेंट हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वी डू नॉट केयर। वी वांट कैपिटल पनिशमेंट फॉर एनी रेपिस्ट, वी वांट कैपिटल पनिशमेंट who even dares to attack women's security. So we want them to देखिए आवाज तो उठाना पड़ेगा ना, फर्स्ट टाइम हो लास्ट टाइम हो, फॉर मी वी इवन मेड रैलीज व्हाइल निर्भया कांड हैड हैपेंड। सो अभी हम लोग फिर से लोगों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, रैली जब तक दम है तब तक रैली चलेगा, जब तक जस्टिस नहीं मिलता है। और जस्टिस मतलब ये नहीं है कि किसी को भी ला कर हम खड़ा करवा दें, ये क्रिमिनल है, जो सही है ऑल ऑफ अस नो फॉर सच। सो वी वांट टू मूव इट, हम लोग जस्टिस मांगते हैं not only for Abhaya, for all the women out here, yes. All the women across the globe, we one want to have 150 yes. grams of semen. One person cannot have 150 grams of semen. There have been proof of 109 bites on the body. So basically the person is caught is a scam. We want justice. छोटी छोटी चीजों में तो सरकार हमें जरूर बोलती रहती है, इसका टैक्स दो, ये दो, वो दो, ईच एंड एवरी थिंग विच वी आर बाइंग उसमें हमारा जीएसटी टैक्स इंक्लूडेड रहता है, जिससे सरकार को पैसा जाता है, पुलिस को पैसा जाता है। दे आर देयर फॉर आवर सिक्योरिटी, व्हेन दे आर टेकिंग मनी, व्हेन दे आर टेकिंग टैक्स, व्हाई आर नॉट दे गिविंग अस सिक्योरिटी? वी आर स्टैंडिंग फॉर ईच एंड एवरी वुमन, हर एक वुमन जो है उसके लिए, क्योंकि आज अगर आवाज नहीं उठाए नेक्स्ट कैन बी यू, नेक्स्ट कैन बी मी, नेक्स्ट कैन बी एनीवन। और अगर गवर्नमेंट से कुछ नहीं हो रहा है हम लोग को दे दे, हम लोग उसको काट देंगे। नहीं हो रहा है कुछ तो रिजाइन कर दे गवर्नमेंट, रिजाइन कर दे पुलिस, पैसे बैठे हम लोग का टैक्स है, पैसे बैठे बैठे हम लोग का टैक्स को पैसे से, पैसा अपने पॉकेट में नहीं भरे, जेब में पैसा भर रहा है, दारू पीरा सो जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, घूस के डर में आ जा रहा है और मुंह बंद करके बस घर में चिकन तोड़ के सो रहा है। वी आर द वन हु आर सफरिंग, द नॉर्मल पीपल, द नॉर्मल गर्ल्स आर सफरिंग। सो गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन एंड गिव इट टू अस इफ दे कैन नॉट हैव द ट्रू जजमेंट। वी नीड अ ट्रू जजमेंट एंड ऐसा क्राइम होने का चांस ही नहीं देना चाहिए। चांस दिया गया है, बहुत कुछ हुआ है पहले भी, इसीलिए और क्राइम बढ़ते जा रहा है। क्रिमिनल शुड बी पनिश, हैंग टू डेड और लीव इट टू पब्लिक, वी विल फिनिश देम ऑन स्पॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वी वांट अ ट्रू जजमेंट। और दीदी को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन लें, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। बड़ी प्लानिंग के संग ये सब किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा। और हमारी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि कोई हमें ऐसे ही लूट के चला जाए और उसे सुसाइड केस बता देते हैं। बड़े आराम से सुसाइड केस बता दिया जाता है हमारे केस को, और उसको आराम से रद्द कर दिया जाता है सुसाइड केस बताकर। ऐसा नहीं होना चाहिए।